कोरोना संकट काल के बीच देश आज अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। कोरोना को लेकर भी कई सावधानियां बरती गईं। प्रधानमंत्री का भाषण समाप्त होने के बाद राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट ने राष्ट्रगान गाया। तिरंगा फहराने के बाद पीएम मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया। इस भाषण के दौरान उन्होंने सभी स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के पीछे लाखों बेटे बेटियों का त्याग बलिदान रहा है। पीएम मोदी ने सभी कोरोना वॉरियर्स को नमन कर कहा कि कोरोना ने सबको रोका हुआ है। देश विशेष हालात से गुजर रहा है। कोरोना से कई परिवार प्रभावित हुए। आने वाले 2 सालों के लिए संकल्प लेकर चलना है। अगला आज़ादी का पर्व 75वां पर्व होगा। आज़ादी की जंग में भारत की आत्मा को चलने की कोशिश हुई। पीएम मोदी ने कहा कि विस्तारवाद की सोच ने विस्तार के बहुत प्रयास किए। आत्मनिर्भर भारत का सपना संकल्प में बदल रहा है। मुझे अपने देश की प्रतिभा पर भरोसा है। भारत जो ठान लेता है उसे करके रहता है। भारत जैसे देश के लिए आत्मनिर्भर बनना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मानव और मानवता के लिए भी जगह होनी चाहिए। दुनिया को भारत से अपेक्षाएं हैं। हमारे लिए दुनिया एक परिवार है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान बढ़ाना है। हमें अब आत्मनिर्भर बनना होगा। समय की मांग है कि संसाधनों के मूल्य वृद्धि हो। किसानों ने देश को कृषि में आत्मनिर्भर बनाया। लाल किले से पीएम मोदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में भी मूल्य वृद्धि आवश्यक है। कृषि के क्षेत्र में देश अलग अलग कदम उठा रहा है। अब तक कच्चा माल दुनिया में भेजते रहेंगे, भारत में बने सामान की दुनिया में वाहवाही होनी चाहिए। हमें स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा। देश के सामने लाखों चुनौतियां हैं तो करोड़ों हल देने वाली ताकत भी है। कोरोना काल में देश मास्क, पीपी किट, वेंटिलेटर में आत्मनिर्भर बना। उन्होंने कहा वोकल फॉर लोकल जीवन का मंत्र बनना चाहिए। भारत में सुधारों का एक दौर दुनिया देख रही है। FDI में देश ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कोरोना काल में भी दुनिया भारत पर भरोसा कर रही है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड पर भी आगे बढ़ना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को स्वरोजगार के समान अवसर दिए। देश में महिलाओं के सशक्तिकरण का काम जारी है। अब युद्ध के क्षेत्र में भी महिलाओं की तैनाती है। आज 7 लाख से ज़्यादा कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। गाँवों तक ऑनलाइन शिक्षा पहुँच रही है। इन सभी चीज़ों के बारे में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश की जनता को संबोधित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी में सवार होकर कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों का अभिवादन करने पहुँचे। इस बार ये अभिवादन दूर से ही किया गया। हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन व्यक्त करते हैं, लेकिन इस बार कोरोना काल को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन किया गया। आप देख रहे हैं घमासान.com। और भी न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।